com.tk, lungs.edu.tk और comsat.com। मेरे पास ये प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि इस वक्त मैं तो इंटरनली सिर्फ यूज कर रहा हूँ, मैं ईमेल सेंटर में ईमेल चले जाए ठीक है, लेकिन बाहर की दुनिया को नहीं पता। आप जब हॉटमेल पे ईमेल सेंड करते हैं, लेट्स से आप याहू के यूजर हैं, याहू से कनेक्ट होकर अब आप ईमेल सेंड कर रहे हैं कहाँ पे, हॉटमेल पे, तो याहू के मेल सर्वर को हॉटमेल के मेल सर्वर का आईपी चाहिए, तो आईपी किससे पूछेगा, डीएनएस। तो अगर डीएनएस के डेटाबेस में वो एंट्री मौजूद है तो डीएनएस आंसर दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा उसमें एक चीज ऐड करते हैं जो ईमेल एड्रेस पॉलिसी से हट के, और वो है क्रिएशन ऑफ एमएक्स रिकॉर्ड्स। एमएक्स रिकॉर्ड और एसोसिएटेड ए रिकॉर्ड्स, दो रिकॉर्ड्स बनेंगे एक ईमेल डोमेन के लिए ठीक है। जितनी भी ईमेल डोमेन्स हैं हर ईमेल डोमेन के लिए दो दो रिकॉर्ड्स बनेंगे आपके डीएनएस सर्वर में, चाहे वो डीएनएस इंटरनली है चाहे वो डीएनएस एक्सटर्नल। बात समझ में आती है ठीक है, अदरवाइज देखिए मेल ड्रॉप हो जाएगी ना, मेल एक्सचेंज पे आएगी तो वो हैंडल होगी। बाहर की दुनिया को आपके मेल सर्वर का आईपी याद रखना, ये भूलनी नहीं है बात, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के रेफरेंस से नहीं है। दुनिया का कोई मेल सर्वर, बाहर की दुनिया को मेल सर्वर का आईपी कौन बताता है, डीएनएस ठीक है। जब तक आप एमएक्स रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे आप मेल सेंड कर सकते हैं लेकिन मेल रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि मेल रिसीव उसी वक्त होगी जब बाहर वालों का आपके मेल सर्वर का आईपी भी होता है। आपके ख्याल में जो मेल सर्वर होता है उसके पास कोई डेटाबेस फाइल होती है जिसमें दुनिया के सारे मेल सर्वर्स के आईपीज होते हैं, बताएं मुझे। और अगर ऐसा हो तो फिर तो उस फाइल को रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, रेगुलर बेसिस पे मेल सर्वर्स और ईमेल डोमेन्स और वेबसाइट्स होस्ट होती रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि जब भी किसी मेल सर्वर ने किसी दूसरी ईमेल डोमेन पे मेल डिलीवर करनी होती है तो अपने डीएनएस को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस ईमेल डोमेन के, मुझे इस डोमेन के मेल सर्वर का आईपी बताओ। और इसीलिए आपका जो आप जो ईमेल एड्रेसेस यूज करते हैं उसमें ऐड के बाद क्या आता है, डोमेन नेम। अगर ऐड के बाद डोमेन नेम ना हो तो मेल सर्वर को लोकेट करना इम्पॉसिबल होगा, और आपका डोमेन नेम हमेशा वही होता है जो आपकी ईमेल डोमेन। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि मेरा एक्सचेंज सर्वर तीन एडिशनल ईमेल डोमेन्स को होस्ट कर रहा है, यानी उन तीनों का रिस्पॉन्सिबल ये है, इसका मतलब है दुनिया में कहीं भी कोई ईमेल सेंड करे लंग्स पे, PUCIT पे या कॉमसेट्स पे, तो उस ईमेल का फाइनल डेस्टिनेशन मेरा मेल सर्वर। तो फिर डीएनएस इसका आईपी रिटर्न करे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ही पॉसिबल। बात समझ में आती है? पक्की बात है? यहाँ तक कोई सवाल है? 100% स्टैटिक आईपी। अगर आप स्टैटिक आईपी नहीं देते, अगर वो आईपी आपका स्टैटिक नहीं है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो डायनामिक आईपी होगा, बार बार चेंज होगा, तो डीएनएस की एंट्री को बार बार कैसे चेंज करें ठीक है। तो वो आईपी स्टैटिक ही होना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ओवरहेड चढ़ जाएगा। शायद टेक्निकली मैं कोई तरीका आपको बता दूं जिससे आप ये पॉसिबल कर लें, लेकिन प्रोफेशनली ऐसा कभी भी नहीं होता। याद रखें जब भी ईमेल सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट करते हैं, ये डिप्लॉयमेंट की बात आपको बता रहा हूँ, ये सारा काम डिप्लॉयमेंट का जो अभी कर रहे हैं, रेसिपिएंट पॉलिसी पेपर वर्क आप डिप्लॉयमेंट के वक्त करेंगे, आप पूछेंगे अपनी कंपनी में कि हमारी ईमेल पॉलिसी क्या बननी चाहिए, हम ईमेल एड्रेस में क्या जनरेट करना चाहते हैं, एलियस फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम डॉट फर्स्ट नेम, और रेसिपिएंट पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करेंगे ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो डिप्लॉयमेंट के वक्त ये भी आप बता दें, जो भी अगर आउटसोर्स आपको किया गया तो जो भी मैनेजर है जो आपके साथ डायरेक्टर है उसे बताएं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डोमेन नेम परचेज करना है प्लस आईपी एड्रेसेस चाहिए ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंड करता है क्या सिनेरियो है, एट वेरी मिनिमम एक डोमेन और एक आईपी तो मस्ट है, उसके बगैर आपका मैसेजिंग सॉल्यूशन ऑन एयर हो ही नहीं सकता ठीक है। कंपनी को बताएं कि डोमेन नेम जो है वो भी परचेज करें और एक आईपी परचेज करें, प्लस अगर डीएनएस उनका अपना है वेल एंड गुड, फिर तो आप खुद रिकॉर्ड क्रिएट कर देंगे। अगर डीएनएस आईएसपी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली पता क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली यही होता है, कंपनी ईमेल डोमेन ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ा सा बाद में सोचती है। कंपनी ने स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले, और अब 4-5 साल बाद कंपनी को एहसास हुआ कि हमें ईमेल सर्वर की जरूरत है ठीक है। लेकिन 4-5 सालों में ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट होस्ट ना की, तो डेफिनेटली कंपनी की वेबसाइट कहीं ना कहीं होस्ट हुई थी, फॉर एग्जाम्पल वॉल पे होस्ट हुई। अब अगर वॉल पे वेबसाइट होस्ट हुई भी है तो ये तो हो नहीं सकता कि ईमेल डोमेन के लिए कोई और प्रोवाइडर आ जाए। समझ में आ रही बात? अगर वॉल पे आपने वेबसाइट होस्ट करवाई है तो वॉल में ही एमएक्स रिकॉर्ड भी बनेगा ठीक है। तो आप वॉल कॉल करेंगे, जो भी आपका आईएसपी है, वॉल है, ट्रेन है, व्हाटएवर, उन्हें कॉल करके बताएंगे
कि हमारी जो डोमेन है, हमारा जो डीसी है, हमारा जो वेब सर्वर है जिसका आपने रैक्टर डीएनएस बनाया, वहाँ एक और एंट्री क्रिएट हो। एक एंट्री तो होगी ना www.corporate.com, ठीक है, तो एक और एंट्री करवा लें फॉर एग्जाम्पल smtp.corporate.com, ठीक है, और एसोसिएटेड है एमएक्स रैक्टर विद एसोसिएटेड नेम। ये मैं आपको यहाँ क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, देख लो किस तरह होगा। अगर आपका जो ISP उसे बात समझ नहीं आ रही, वैसे ऐसा होना नहीं है, ISPs को ये चीज़ रोज का काम होता है उनका, इसलिए उन्हें ये सब कुछ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है जैसे, ठीक है, एक काम तो आप करेंगे, लाइक आपके पास जो आपका IP एड्रेस है मेल सर्वर का, वो ये है, ठीक है, तो मेन ये है, यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मर्जी नाम लिख, ये मैं न्यू होस्ट कर रहा हूँ, नाम जो मर्जी कर, ठीक है, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ SMTP, लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कुछ और लिख लें, ठीक है, क्योंकि SMTP से ये आइडिया हो जाएगा, अगर इनके DNS हैक होता तो पता लग जाएगा कि मेल सर्वर, ठीक है, तो मैं XYZ कर देता हूँ और 200111, ये मैंने क्या क्रिएट की है, ए रेकॉर्ड। अब मैं बनाऊंगा MX रेकॉर्ड। MX रेकॉर्ड में ये पूछ रहा है होस्ट और चाइल्ड डोमेन, कुछ देने की जरूरत नहीं है, नथिंग, सिर्फ ब्राउज करके क्या बता दें, XYZ, बस ओके करो। मैंने क्या किया, MX रेकॉर्ड ब्राउज किया, वो जो मैंने A रेकॉर्ड बनाया था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि MX और एसोसिएटेड A रेकॉर्ड, अब मेरा MX रेकॉर्ड एसोसिएट हुआ हुआ है इस रेकॉर्ड के साथ। यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो रेकॉर्ड में दो ही चीजें होती है ना, एक जो यूजर भेजता है और एक जो DNS बताता है। यूजर क्या भेजेगा, जो ईमेल एड्रेस में है, ईमेल एड्रेस में क्या होगा, corporate.com, तो यूजर ने भेजा corporate.com, यूजर ने नहीं भेजा, यूजर ने जिस मेल सर्वर में मेल रखी थी, लेट्स से यूजर का हॉटमेल का मेल कर रहा है आपको, हॉटमेल का यूजर आपको मेल कर रहा है tahir@corporate.com, अब हॉटमेल के मेल सर्वर को corporate.com के मेल सर्वर का IP चाहिए, तो हॉटमेल का जो मेल सर्वर है वो उसमें क्या भेजेगा, corporate.com। यहाँ पे क्या लिखा है, सेम एज पैरेंट फोल्डर, सेम एज पैरेंट फोल्डर, पैरेंट फोल्डर में क्या लिखा है, तो यहाँ क्या लिखा है, corporate.com, और सामने क्या लिखा है, xyz.corporate.com। इस रेकॉर्ड को पढ़ने से DNS को क्या पता लगा, इसका आंसर दें, हाथ खड़ा करने में बोलना नहीं, इस रेकॉर्ड को रीड करने से DNS को क्या चीज मिल गई जो कि आपने नहीं बताई, इससे कुछ उन्होंने बताया, आपको क्या जी मेल सर्वर, क्या मेल सर्वर, क्लाइंट से मेल सर्वर, यार ऊंची मजाना आवाज निकालो ना, मेल सर्वर, मेल सर्वर, क्या मेल सर्वर जी, FQDN ऑफ मेल सर्वर, जो कि आपने नहीं बताया था, आपने बताया था डोमेन नेम, मुझे बताएं आईपी एड्रेस कब पता लगता है, जब नेम पता हो, आप DNS को नेम बताएं, DNS IP बता देगा, आप DNS को बताते xyz.corporate.com तो DNS आपको बता देता 200.1.1.1, लेकिन आपको ये पता ही नहीं था, आपको सिर्फ क्या पता था corporate.com, तो पहले DNS को डिस्कवर करना पड़ा कि corporate.com के मेल सर्वर का नाम क्या है। याद रखो MX रिकॉर्ड IP नहीं बताता, रिकॉर्डेड में मैंने बता दिया है, MX रिकॉर्ड IP नहीं बताता, ऑर्डर 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 खत्म हो गया, IP हमेशा सिर्फ एक रिकॉर्ड बताता है जिसे A रिकॉर्ड, A रिकॉर्ड के अलावा DNS में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो आपको IP बता सके। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो MX रिकॉर्ड ने आपको वो ऑप्शन, वो चीज बता दी जिसकी बेस पे A रिकॉर्ड आप सर्च कर सकते हो। बेसिकली A रिकॉर्ड में नेम होता है और IP होता है, नेम पता ही नहीं था, बताया मुझे XYZ मिसिंग था या नहीं, ठीक है ना, मिसिंग था, तो MX रिकॉर्ड ने डोमेन नेम को, ईमेल डोमेन नेम को एसोसिएट किया किसके साथ, FQDN ऑफ मेल सर्वर, इनका आंसर शाह महमूद का बिल्कुल मुकम्मल। MX रिकॉर्ड किन दो चीजों को मैप करता है, डोमेन नेम विद होस्ट ऑफरिंग मेलिंग सर्विसेज, ठीक है, डोमेन नेम को मैप करता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम ऑफ मेल सर्वर smtp.corporate.com, mail.corporate.com, xyz.corporate.com।
अब ये नेम पता लग गया। अब आप